प्रॉपर्टी न्यूज तामीर से तकमील तक। अस्सलाम वालेकुम, प्रॉपर्टी न्यूज के साथ मैं हूं कायनात अब्बासी। तमाम पाकिस्तानियों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। हम आपको रियल स्टेट सेक्टर और प्रॉपर्टी के बारे में तो मालूमात फराहम करते हैं, लेकिन हमारा आज का प्रोग्राम मुनफरिद है। ईद के इस पुरमुसरत मौके पर हमारे साथ प्रॉपर्टी न्यूज़ की टीम मौजूद है और आज हम आपको बताएंगे कि जो वीडियोस हम बनाते हैं उन पर कितनी मेहनत दरकार होती है। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिसर्चर और एंकर पर्सन हमज़ा हारून, और उनके साथ हमारी स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम सैयदा मैमूना अब्बास है और ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो सबसे पहले मैमूना, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ईद मुबारक, ये बताएँ कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैमूना, मुझे ये बताएं कि ईद का दिन आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं? वैसे तो हम जितने भी फीमेल वर्कर्स होते हैं उनको ईद से या किसी भी और छुट्टी से सरकार नहीं होता, तो बस ये होता है कि छुट्टी है। सो हम वैसे तो नॉर्मली मैं सो के गुजारती हूँ, मगर ये है कि ईद उल अज़हा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसमें ये होता है कि अपनी मदर के साथ हाथ भी बटाना होता है, सो आना जाना भी लगा रहता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ईद के मौके पर आप फ्रेंड्स को कितना टाइम देती हैं और फ्रेंड्स के साथ ईद को आप किस तरह से स्पेंड करती हैं? नॉर्मली ये होता है कि फ्रेंड्स का हमेशा गिला रहता है हमसे, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से जाती हूँ घर वापस, काम का थोड़ा सा लोड ज़्यादा होता है, तो उसमें फिर ये होता है कि ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी फैमिली को टाइम टाइम टू टाइम फिर टाइम थोड़ा सा निकालना पड़ता है, फ्रेंड्स को भी टाइम होता है देना पड़ता है, फैमिली के लिए भी होता है, बस रशी इन्वायरमेंट के अंदर टाइम गुजर जाता है। यानी इस तरह से बस आपका टाइम स्पेंड हो जाता है। हमज़ा, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ईद मुबारक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको भी और प्रॉपर्टी न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। हमज़ा, मर्द हज़रात जो होते हैं वो अक्सर कुर्बानी करवाते हैं, हमें नज़र आते हैं, और ईद पर तो वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, तो आपकी जो ईद है वो किस तरह गुजरती है? हाँ, जैसा कि आपने बिल्कुल ख़ुद से ये बात की कि मर्द हज़रात की ईद जो है ना वो काफ़ी मसरूफ़ नज़र आती है, तो सबसे पहले ईद की नमाज़ अदा करनी होती है, ईद की नमाज़ के बाद जाहिर सी बात है फिर हमने कुर्बानी करनी होती है, तो कुर्बानी का जो प्रोसेस होता है उस पर आपके साथ जो है ना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि आपने सारी चीज़ें मैनेज करनी है, आपका जानवर है आपने उसको ज़िबा करवाना है, उसके बाद गोश्त बनवाना है, फिर वो गोश्त तकसीम करवाना है, तो इसमें आप पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो बस इसी बाकम दौड़ में जो है वो हमारा काम होता है कुर्बानी का। और लेकिन मज़े की बात यह है कि कुर्बानी का सबसे असल मज़ा यह है कि आप सारे गेट टुगेदर होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में बहुत कम टाइम मिलता है लोगों को इकट्ठा होने का, साथ मिलजुल कर ऐसा की कोई एक्टिविटी करने का, तो मेरे ख्याल में ईद एक ऐसी फेस्टिविटी है जो सबको बाहम जोड़ देती है। तो ईद पर आप क्या करते हैं? फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, सैर व तफरीह करते हैं या घर पे ही रहते हैं? हाँ बिल्कुल, ईद का जो पहला दिन होता है उस दिन तो जाहिर सी बात है कुर्बानी का मरहला होता है वो उबूर किया जाता है, तो ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन जैसा कि आपको बताया कि बारबेक्यू पार्टीज बड़ी मशहूर हैं, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करना बड़ा मशहूर है, तो कोई ना कोई प्लान बनाया जाता है ताकि कुछ वक्त जो है वो किसी पुरफजा मकाम पर जाया जाए और अच्छा वक्त जो है क्वालिटी टाइम जिसे कहते हैं वो स्पेंड किया जाए। मैमूना, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और नेशनल मीडिया पर आप हमें सोशल इश्यूज़ पर बात करते हुए अक्सर दिखाई देती हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि ये शौक़ आप में कहाँ से पैदा हुआ और अभी तक का आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है? बेसिकली मेरे अंदर एक चीज़ है, मेरे स्टाइल में ही ये चीज़ होती है कि मैं कोई भी काम करती हूँ उसको बहुत दिल लगा के हार्ड वर्क के साथ काम कर रही होती हूँ, तो हमारी फील्ड ऐसी है कि हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, उसमें ये होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं हमें उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके लोगों को भी दिखाना होता है कि ये चीज़ ठीक है ये चीज़ गलत है, क्योंकि हमारी स्टेट ऐसी है रियल स्टेट में हमें आए दिन कोई ना कोई फ्रॉड आते हुए दिखाई दे रहा होता है, हमें कितने क्लाइंट्स ऐसे डेली बेसिस पर मिल रहे होते हैं जो हमें कहते हैं हमारे से ये फ्रॉड हो गया, इतने पैसे हमारे डूब गए, ये हो गया वो हो गया, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा लाइक ओवरकम करने के लिए हमें वीडियोज़ बनानी होती हैं, हम सोशल इशूज़ पर भी बात कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स को सिर्फ हमारा मकसद ये होता है कि उनको फराहम करें इन्फॉर्मेशन कि जी ये चीज़ नहीं आई है यहाँ पे, आप बहुत लिमिटेड बजट में इन्वेस्टमेंट करें, यू विल गेट वेरी गुड प्रॉफिट, एंड बस यही चीज़ें होती हैं हमारी। अच्छा हमज़ा, आपको प्रॉपर्टी न्यूज़ के साथ काफ़ी टाइम हो गया है, अभी तक का आपका जो प्रॉपर्टी न्यूज़ के साथ एक सफ़र रहा है वो कैसा था और एक वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत आपको दरकार होती है?
प्रॉपर्टी न्यूज़ के साथ बड़ा ही लर्निंग एक्सपीरियंस है, यहाँ पे आके मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत मज़ा भी आया। यहाँ के जितने मेंबर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, उसके अलावा हमारी जो मैनेजमेंट है, तमाम लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। बड़ा एक अच्छा ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये अभी तक का बड़ा ही खुशगवार सफ़र रहा जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। इसके अलावा जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि वीडियो को बनाने में, तो जाहिर सी बात है जब आप कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए मेहनत तो काफ़ी दरकार होती है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि आपका उस काम में इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है। तो अगर आपका उस काम में इंटरेस्ट है तो आपके लिए वो काम करना फिर आसान हो जाता है, आपको फिर वो काम नहीं लगता, आपका एक पैशन बन जाता है। और जब आप अपने पैशन को लेकर चलते हैं तो फिर आपको वो काम करने में मज़ा आता है। तो वीडियोज़ बनाना, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना प्रॉपर्टी के हवाले से भी और दीगर जो है वो रियल स्टेट के हवाले से भी इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्म करना लोगों को, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम है और मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ ये तमाम काम करते हुए। वैसे ये देखने में थोड़ा इस तरह से लगता है कि हमें बहुत मुश्किल होती है, नो डाउट हर काम में मुश्किल होती है, मगर ये बहुत हम एंजॉय करके काम करते हैं। जिस काम में आप इंटरेस्ट लेके जो भी काम किया जाए ना, उसमें आपको फटीक फील ही नहीं होती है, आप उसमें एंजॉय कर रहे हो। मैमुना, आपने बिल्कुल सही बात की। और ईद के इस पुरमसरत मौके पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको पता है ये बकरा ईद है, कुर्बानी की ईद है, और कुर्बानी की ईद तो तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक मज़े मज़े की डिशेस नहीं बनती। तो आपको खाने में क्या पसंद है और ख़ुद भी कुकिंग करती हैं? आपने थोड़ा सा मुश्किल सवाल पूछ लिया। बेसिकली रूटीन थोड़ी ऐसी होती है कि मैं कुकिंग नहीं करती हूँ। हाँ, ये होता है कि अपनी मदर के साथ हाथ बटाती रहती हूँ। मैं आपको थोड़ी सी फनी बात बताती हूँ, अगर मुझे यहाँ पे कभी कुकिंग करनी पड़ जाए तो मैं अपनी मदर को वीडियो कॉल पे लेती हूँ और उनसे मैं इंफॉर्मेशन लेके सारी मैं कुकिंग कर रही होती हूँ। बहरहाल मुझे खाने में बारबेक्यू बहुत पसंद है, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, और अपनी अम्मी के हाथ के तो हर चीज़ मुझे बहुत पसंद है। अच्छा मैमुना, अभी आपने कहा कि आप अम्मी को वीडियो कॉल करती हैं और उनसे रेसिपी पूछती हैं, तो ऐसे आपने कभी कोई रेसिपी ट्राई की और कैसी बनी वो डिश फिर आपके? मैं आपको एक वाकया रिसेंटली बताती हूँ। रमज़ान गुजरा है, बेसिकली रमज़ान में ये था कि मैं, अब आपको पता थोड़ा सा फैमिली से अलग रहता, उसमें ये था कि मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि यार मैं सिंधी में अंडा खाने से बेहतर है कि मैं कोई ना कोई सालन बना लूँ। सो माइंड में एक अम्मी की चीज़ आती थी, एक बात आई गई, एक सब्जी होती है तोरियाँ, तोरी एक सब्जी होती है, वो बहुत जल्दी बन जाती है। अच्छा, मैंने वो परचेज की, मैं लेकर आई, अब मैं आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि भाई सुबह मैं सहरी में जल्दी उठूंगी, मैं अपने लिए खुद खाना बनाऊंगी। और इस तरीके से अब मैं 2:30 बजे उठी और 3:30 बजे जाना होती थी। मैं 2:30 बजे उठ के 3 बजे तक मैं ये चीज़ सोचती रही चूल्हे के सामने खड़े होकर कि मैं इसको कैसे बनाऊँ। अब यकीन करें मुझे तो कभी नहीं लग रहा था इसको बनाने का। फिर दोबारा मैंने वो अचार और अंडा और इस तरह करके मैंने सहरी की, और फिर मैंने अपनी मदर को दोबारा कॉल पे लिया और सुबह उन्होंने मुझे सब चीज़ें लाकर एड की। इसी तरह एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। अब मैंने बिरयानी सोचने बनाई थी अपनी मदर को कॉल पे लेके और बहुत अच्छी। माशाल्लाह, मुझे इस तरह लगता है कि जो जायका, जो टेस्ट हमारी माओं के हाथ में है वो हमारे हाथ में नहीं हो सकता। हमज़ा, आप माशाल्लाह स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, तो ईद के इस पुरमसरत मौके पर आप हमारे देखने वालों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? ईद का पुरमसरत मौका है तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यही हो सकता है कि आप खुश रहें, खुशियां बांटें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपसे जुड़े हुए जो रिश्ते हैं, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छा मैमुना, ये बताएं कि कभी आपकी कोई डील डन हुई तो उस खुशी को आप कैसे सेलिब्रेट करती हैं? कभी आपने अपनी किसी डील के डन होने पर किसी को खाना खिलाया? नहीं, मैंने खाना किसी को नहीं खिलाया, मगर ये होता है कि जब ये डील डन हो जाती है ना तो आपके बैठने का स्टाइल ही चेंज हो जाता है। उस टाइम मेरे माइंड में सिर्फ एक ही गाना घूम रहा होता है, आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, ये चीजें होती हैं। अच्छा, ऑफिस वाले तो आपसे कहते होंगे ना कि हमें ट्रीट दें, तो फिर उन्हें किस तरह हैंडल करती हैं आप? शुरू शुरू में ऐसे होता है, मगर फिर ये होता है कि हमारी फील्ड ऐसे कि हमें डेली बेसिस पे हमारी डील्स हो रही होती है, तो वो भी एक यूज्ड टू हो जाता है। हाँ, ये होता है कि हम मंथ के एंड पे जब आप एम्प्लॉय के मंथ बनते हो फिर हम ट्रीट देते हैं। अच्छा, ईद के इस मौके पर आप क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारे देखने वालों को? मैं ईद के इस मौके पर आपको आप ही की बात को रिपीट करूंगी कि हमें कुर्बानी में जानवरों के साथ साथ अपनी अनाओं को भी, अपनी दुश्मनियों को भी ज़बह करना चाहिए। और बिलखसूस हम बेसिकली ना अपने दायरे में, अब हमारे बहुत ज़्यादा आजकल के इन्वायरमेंट मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि वो चीज़ें बहुत आ गई, शो ऑफ बहुत करते हैं, ये लाइक पॉम्प एंड शो बहुत ज़्यादा आ गया। आई जस्ट वॉन्ट कि ये इसका जो मेन मकसद है ईद का, आप उस चीज़ को गुजारें, मकसद को समझें कि मकसद है क्या, और थोड़ा सा अपने निचले तबके को देखें उनकी आप, क्योंकि हमारा ईद जो है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको शायद गोश्त खाने का मौका ही नहीं मिलता, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई आजकल के ज़माने में
कि लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. सो आई जस्ट वॉन्ट कि आप सब ऊपर के नहीं नीचे के तबके को देखें और उन सब की भी केयर करें. और मैं वही आपकी बात दोबारा रिपीट करना चाहूँगी कि जानवरों को साथ रखने खुदारा अपनी आराम को सिवा करें. हमज़ा, आप दोनों मेहमानों का, मेमुना आपका और हमज़ा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया. और एंड पर जाते जाते कोई एक मैसेज जो आप हमारे देखने वालों को देना चाहें, जो आपने अपनी ज़िंदगी से सीखा हो. ज़िंदगी से अभी तक तो सिर्फ यही सीखा कि ज़िंदगी हर मोड़ पे आपको एक नया एक्सपीरियंस देती है, आपने एक नया तजुर्बा करते हैं और आपको नए लोग मिलते हैं और नए लेसन जो होते हैं आपको उनसे सबक ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि यही ज़िंदगी का जो है वो निचोड़ होता है. मैमुना, आप क्या कहना चाहेंगी? कहना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जल्दी गिव अप कर जाते हैं. सो ज़िंदगी में गिव अप नहीं करना चाहिए. आप हर चीज़ को चैलेंज दें, हर चीज़ को चैलेंज लेके आपके लिए काम आसान हो जाएगा. आप चीज़ों को चैलेंज लें, मुश्किल से मुश्किल चीज़ नहीं, लेकिन आप उसको ना एक किस्म का एक चैलेंज ले करें. ये मत, मेरे फादर अल्लाह के जन्म से पहले मेरे बाबा कहा करते थे कि अगर आपने एक चीज़ को सोच, मतलब आपने पहाड़ है, अब आपने पहाड़ को देख के कहा है ना कि यार ये पहाड़ मैं कैसे हिलाऊंगी, आप जाके भी उसको नहीं हिला सकते. आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया. व्यूअर्स, आपने आज का हमारा प्रोग्राम देखा. अपने साथ साथ उन लोगों को भी ईद की खुशियों में शरीक करें जो ईद की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते, कुर्बानी नहीं कर सकते. ख़ासकर इस ईद पर गरीब गुरबा का ख्याल रखें. और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो इसी तरह तेज़ी के साथ तरक्की करे. उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. इसी के साथ मुझे यानी कायनात को दीजिए इजाज़त और मेरी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर बहुत सारी ईद मुबारक. अल्लाह हाफ़िज़.